रतलाम जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर थाना कालूखेड़ा के अंतर्गत ग्राम आक्या देह में 16 मार्च शनिवार की रात्रि में लड़की घर पर नहीं होने से खलबली मच गई। परिवार जनों ने सभी ओर ढूंढने के बाद 17 मार्च को थाना कालूखेड़ा में लड़की के पिता अनोखीलाल चौधरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि ग्राम आक्या देह में एक मुस्लिम लड़का शाहिद मंसूरी पिता कल्लू खां के द्वारा हिंदू लड़की को शनिवार की रात में भगा कर ले गया है और ये लव जिहाद में अपहरण कर ले गया, जिसके बाद 18 मार्च को सोमवार को चौधरी समाज और हिंदू जागरण मंच जावरा और बजरंग दल के द्वारा थाना कालूखेड़ा में तहसीलदार पिपलौदा राकेश सस्तिया को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में इन्होंने मांग की है कि जो एक बच्ची है जो गुमशुदा हो गई है उसको वापस ढूंढ करके लाना है। नहीं, पुलिस को इन्होंने कल दिन सुबह सूचना दी है और उसके बाद से पुलिस की हमारी टीम लगी हुई है। 3 टीमें अलग अलग दिशाओं में गई हैं, साइबर सेल भी एक्टिव है और बाकी लोगों से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो टीम लगी है और हम शीघ्र ही जो लड़की घूमी है उसको ढूंढने में कामयाब होंगे। हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। लव जिहाद को लेकर के कहीं घटनाएं अपने देश और आसपास के क्षेत्र में की जा रही है। कल भी एक घटना में इसी प्रकार हम लोग रहे हैं। लव जिहाद के नाम से ये लोग हिंदू लड़कियों को बेहला पुसला करके ले जाते हैं और आज हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है हिंदू जागरण मंच के नाम से। तो प्रशासन आचार संहिता का नाम लेकर के हिंदू समाज को पीछे हटने को कह रही है, धमकियां दे रही है, लेकिन हिंदू समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि उनकी कोई बहन बेटी ले जाए और वापस प्रशासन के डर से हिंदू समाज चुप बैठ जाए। हिंदू जागरण मंच ने चेतावनी देते हुए कहा है 12 घंटे के अंदर यदि हिंदू समाज की बेटी है तो 12 घंटे के अंदर यदि नहीं आती है तो फिर हिंदू जागरण मंच अपने स्तर से कार्रवाई करेगा और प्रशासन को संभालना बहुत महंगा पड़ेगा। यह हमारी तरफ से हिंदू जागरण मंच से पूरी चेतावनी है और प्रशासन इसको समझ ले, हिंदू समाज को कमज़ोर ना समझे। डायरी समाज की लड़की जो अभी 18 साल पूरे हुए हैं उसको और वहाँ के 4-5 घर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका एक ही षड्यंत्र है कि कैसे भी करके हिंदू समाज की लड़की को भगा कर हम ले जाएँ। ऐसे 2 बार प्रकरण पहले हो चुका है, वहाँ पर दो समाज की हिंदू समाज की लड़की मुस्लिम समाज के लड़के के साथ भाग चुकी हैं, परंतु पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। और हमने पिछली बार भी जब ये बात उठी तब पुलिस प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं करा। 2 महीने से लड़की उनकी हिरासत में थी, फिर हिंदू समाज के सारे लोग आकर ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद सब लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद वो लड़की आई है। फिर हम यही चाहते हैं कि हमारी जो लड़की है, जो पूरे देश के अंदर लव जिहाद चल रहा है, जो मुस्लिम लड़कों का यही काम है कि कैसे भी कर हिंदू समाज की लड़कियों को भगा कर ले जाएं और उनके साथ गलत काम करें और उसको उसके बाद उसको बेच दिया जाए। हम हिंदू समाज के लोग हैं, हमारा भी खून है। अगर हमारे समाज की लड़कियों के साथ अगर ऐसा होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। आज हम 12 घंटे का अल्टीमेटम CSP साहब और तहसीलदार साहब TI साहब को दिया है। अगर 12 घंटे में हमारी लड़की जो मनीषा चौधरी है वो हमारे परिवार के सुपुर्द नहीं होती है तो हम 12 घंटे बाद पूरे थाने का घेराव भी करेंगे और जो कार्रवाई हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो सारा हम करने की कोशिश करेंगे। हम पुलिस प्रशासन पर निवेदन करना चाहते हैं कि 12 घंटे आपके पास हैं, हमारी लड़की सुरक्षित हमारे पास आ जाए। हम कोई कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, परंतु हमें मजबूर होना पड़ेगा कानून हाथ में लेने पर। अगर आप आचार संहिता के डर बताते हैं कि हम कायमी कर देंगे तो कायमी करने से हम कोई डर नहीं रहे। कायमी होती है कुछ भी हो, पर हमारी बहन बेटी अगर ऐसे काम कर लव जिहाद में अगर फंसती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पुलिस प्रशासन ने पहले हमें बोला था कि 12 घंटे में आपकी लड़की मिल जाएगी, फिर उसके बाद बोला था 12 बजे 12:30 बजे तक आपकी लड़की मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिली। हमने पुलिस प्रशासन से ये मांग करी 12 घंटे और है उनके पास, उसके बाद हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। उसके अभी तक समथिंग 28 घंटे बीत गए, 36 घंटे हो गए, 16 तारीख की बात है। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुरैना जिले के कैलारा तहसील पर मध्य प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त बॉर्डर बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कैलारस अनुविभागीय कार्यालय में रखी गई। आयोजित बॉर्डर बैठक में मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े राजस्थान प्रांत के धौलपुर जिले के पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से कई विशेष बिंदुओं पर चर्चा की गई। आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। जगह है, बताओ नाम बताओ, क्या नाम?
रोकना जगह का नाम बताओ, तो मामला चुनाव के तारतम्य में बॉर्डर के धौलपुर जिले के सीमावर्ती थाने और मुरैना जिला के सीमावर्ती थाने एवं एसडीओपी की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें अस्थायी गिरफ्तारी वारंटियों तथा इनामी बदमाशान की गिरफ्तारी हेतु वारंटों का आदान प्रदान किया गया एवं राजस्थान में और मध्य मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर चुनाव तिथि के 48 घंटे पूर्व पेट्रोलिंग किए जाने पर जाना तय होगा। और कुछ विशेष इसके अतिरिक्त इनामी बदमाशान या आमद रफ्त की जानकारी आदान प्रदान करने हेतु जो है पर भी चर्चा हुई, और ये दोनों ही राज्यों के सीमावर्ती जिलों के थाना प्रभारियों और सीओ राजपति एसडीओपी के मोबाइल फोन का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है, जिससे उनसे तत्काल जो है संपर्क